दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों मैं आया हूँ एक स्कूल जहाँ की हमें कुछ काम करना है, कहने का मतलब लिखना उखना है, बट दोस्तों आज नहीं, क्योंकि आज सिर्फ मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ कितना काम है और क्या क्या मुझे करना है। और यहाँ पर दोस्तों जितना भी काम हुआ है वो मैंने ही किया था बहुत पहले, तो ये सब काम फिर से मुझे करना है। तो कल दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से आऊँगा, जो कुछ मुझे यहाँ पर काम करना है वो कल करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से मैं जाऊँगा और टीचर लोग को बिल वाउचर वगैरह देना है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं दोस्तों। जो भी है ये स्कूल आप एक बार देख लीजिए। ये स्कूल दोस्तों बसिया से 7-8 किलोमीटर दूर है और मेन रोड से करीबन 4 किलोमीटर अंदर। चलिए अब तो लौटते हैं घर। और वैसे टीचर लोगों को दोस्तों बिल देना है मुझे। कुछ दिन पहले से दोस्तों मैंने काम करना जो है बंद कर दिया था और अब ऐसा हो गया है कि टीचर लोग बोल रहे हैं पहले आपका अकाउंट में पैसा आएगा उसके बाद ही काम स्टार्ट करना, तो इसीलिए दोस्तों बिल पहले ही वो लोग मांग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन टीचर लोग मुझसे बिल लेते हैं, और हमें तो वैसे काम करना ही है, तो चलिए देखते हैं। पैसे आने के बाद दोस्तों काम तो हो ही जाएगा, बट पहले पैसे आ जाए। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंचा हूं। तो फाइनली दोस्तों मैं हूं कोनबीर में और दुकान जो है आज बंद है क्योंकि आज झारखंड में स्ट्राइक लगी हुई है। क्या चीज़ का स्ट्राइक है भाई? नक्सली बंदी है, कहने का मतलब यहां का लैंग्वेज में हम लोग यही बोलते हैं। तो सारे दुकान बंद है इस साइड, आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं सीधे घर जाऊँगा और उसके बाद ये लड़का दुकान मालिक का छोटा बेटा है जिस जहाँ से हम लोग पेंट वगैरह लेते हैं, यहीं पे मैं बैठा क्या पी रहा है। चलिए मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे घर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ घर और आज दोस्तों झारखंड में लगी हुई है स्ट्राइक, इसीलिए सारे दुकान बंद है। कोनबीर बसिया यहाँ के सारे दुकान, होटल को छोड़ के दोस्तों सारे दुकान आज बंद है। तो चलिए फिलहाल मुझे बिल वगैरह बनाना है टीचर लोगों के लिए, तो मुझे फिलहाल एक ही बिल देना है, पैसे आएंगे उसके बाद वहाँ का काम हम करेंगे। फिलहाल जो लिखने वाला काम है वो तो हम लोग का चलेगा ही, क्योंकि वो लोग दोस्तों कैश पेमेंट करेंगे, वो काम हम लोग का चलते रहेगा। तो फाइनली दोस्तों बिल जो है मैं उधर ही दे दूंगा, मैंने वैसे इसमें भरा नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बस सिंपल SN इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है इसमें। दोस्तों सर के सामने ही हम भरेंगे और उसके बाद थमा देंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और उधर से ही दोस्तों मैं लड़के लोग के पास चला जाऊंगा लेने के लिए, तो उधर ही थोड़ा सा मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करूंगा। उसके बाद आएंगे दोस्तों, उसके बाद सतनाम जी की पेंटिंग का हम शुरुआत करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको सतनाम जी की पेंटिंग जो है कैसा स्केच जो है कैसा लग रहा है, वैसे तो आपने वीडियो पे देख ही लिया है फिर भी आप लोग एक बार देख लो। ये रही दोस्तों स्केच जो कि कंप्लीट है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, बस उसको मुझे सुधारना है, तो इसके वजह से दोस्तों थोड़ा सा इसका जो प्रोपोर्शन है वो कुछ अलग लग रहा है, वहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं मिला दूंगा तो वो अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और वैसे मुझे लगता है दोस्तों वीडियो मुझे जल्दी जल्दी देना चाहिए ताकि आप लोग कुछ सीख सको। दोस्तों इधर उधर का काम मैं लेके फंस गया हूँ, अगर ये काम सब नहीं होता तो फिर जो मेरा वीडियो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स करता, का मतलब मैं हमेशा एकदम रेगुलर वीडियो अपलोड करता और आप इससे बहुत जल्दी सीख भी पाते हैं। होली के बाद से दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लास टाइप का मैं आप लोगों को वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आप लोग को उसमें दिक्कत नहीं होगा, आप लोग तुरंत सीख जाओगे। तो चलिए फिलहाल इतना दिन आप वेट किए हैं तो और कुछ दिन वेट करो, उसके बाद दोस्तों आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियोज देखने को मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों एक टीचर को मैंने दे दिया है और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने लड़कों को लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उन लोगों ने कितना काम किया है। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर काम हुआ है, अब चलिए चलते हैं। वैसे भी दोस्तों काफी लेट हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों ये वो स्केच जिसे हम पेंट करेंगे जो कि हमारे सब्सक्राइबर सतनाम जी का है, तो चलिए अब इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे पेंट करने के लिए दोस्तों मैं क्या क्या यूज़ करूँगा वो मैं दिखाता हूँ आपको।
तो सबसे पहले दोस्तों ये है आर्टिस्ट ऑयल कलर, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैमल ब्रांड का है, जिसमें दोस्तों 12 शेड्स आते हैं। और इसमें से दोस्तों जो कलर नहीं है वो मैं दूसरे से यूज करूँगा, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए विंसर एंड न्यूटन का, और इसमें भी दोस्तों 12 शेड्स ही आते हैं, तो ये कलर काफ़ी अलग है, कहने का मतलब उससे काफ़ी अलग है, तो ये देख सकते हैं आप। और इसमें दो मैंने इधर रखा हुआ है, ये देखिए इसमें से ज़्यादा मैंने वाइट यूज़ किया है, ये इसमें भी ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर देखो तो इसमें भी ख़त्म हो चुका है, और ये भी दोस्तों ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। तो इस जो उसमें नहीं होता है दोस्तों मैं इससे यूज़ कर लेता हूँ, बस यही है। और एक वाइट कलर है दोस्तों, वाइट कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए दोस्तों मैंने बड़ा ट्यूब खरीद रखा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये कैमल ब्रांड का आर्टिस्ट ऑयल कलर है दोस्तों, 120 ml का है, और इसका जो प्राइस है दोस्तों ये 400 लिखा हुआ है, बट मुझे दोस्तों ये 380 रुपये पड़ा है। तो यही है, ये हो गया कलर। और इसमें यूज़ करूँगा दोस्तों मैं लिंसिड ऑयल, जो कि बहुत पुराना है, पहले दोस्तों ऐसे कांच के बोतल पे आता था, बट अब भी आता है, और मैंने देखा है आजकल प्लास्टिक की ही बोतल में आते हैं, बट ये दोस्तों काफ़ी अच्छा है, ये भी कैमल ब्रांड का ही है दोस्तों। और इसमें दोस्तों मैं यूज़ करूँगा कैमल ब्रांड का आर्टिस्ट डिस्टिल्ड टर्पेंटाइन फॉर ऑयल कलर्स, ये 100 ml का है दोस्तों, ये भी मुझे 90 रुपये का पड़ा था दोस्तों, ये तो मैंने ऑफलाइन ही बाय किया है, मतलब जितना भी आप कलर देख रहे हो ये ऑफलाइन ही मैंने बाय किया है। और अगर आप लेना चाहते हो तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। ये दोस्तों एक टाइल्स है जिसको मैं कलर पैलेट के रूप में यूज़ करता हूं। तो चलिए अब देखते हैं इस पेंटिंग को हम कैसा बनाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बट ये 2-3 पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा। और सिंपली दोस्तों मैं इसमें यूज़ करूँगा ये लोकल ब्रांड का ब्रश, और दोस्तों एक वाइट कलर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो वो मैं भूल गया था, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर भी ऐड कर दूँगा। और सिंपली दोस्तों जो रेफरेंस है उसमें जो कलर है वो हम बनाएंगे अपने पैलेट पे। तो चलिए ये कलर बनाने के लिए मुझे कौन कौन सा कलर मिक्स करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, और अब देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं वाइट ले लूँगा, क्योंकि वाइट बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, और इसमें थोड़ा सा मैंने टर्पेंटाइन ऑयल ऐड कर दिया है, येलो और रेड, इसको दोस्तों अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब दोस्तों मैंने बना लिया है बर्न सियाना कलर, जिसमें मैंने यूज़ किया है येलो, रेड, ब्लैक, डार्क ब्राउन, तो ये सब कलर को मिक्स करके दोस्तों मैंने बर्न सियाना का कलर बनाया है। आप दोस्तों इसे फेस पर ही यूज़ करना है। तो अब देखिए दोस्तों मैं फेस कलर का अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी लाइट है, और इसमें दोस्तों मैं वाइट भी ऐड करता जा रहा हूँ ताकि देखने में लाइट लगे। और रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों बर्न सियाना का भी मैं यूज़ करते जाऊँगा, जहाँ जहाँ पर रेफरेंस में दिया हुआ है उस टाइप का, जहाँ पर डार्क टोन होगा दोस्तों वहाँ पर मैं अप्लाई करता जाऊँगा। और बर्न सियाना में दोस्तों मैंने फेस कलर ऐड कर दिया है, और फोरहेड पे मैं दे रहा हूँ, और आईब्रोज़ के नीचे मैं दे रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं पूरा कलर करते जाऊँगा, और पूरा कलर जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा मैंने कहाँ कहाँ कौन सा कलर ऐड किया है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी फास्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो इसका डिटेल वीडियो आएगा दोस्तों, तो उसमें आपको डिटेलिंग के बारे में समझाऊंगा, कैसे कैसे आप डिटेल करोगे, और कहां से आपको कैसा डिटेल करने से आपको कौन सा रिजल्ट मिलेगा। तो उसी में दोस्तों आपको इसका फेस जो है वो अच्छा लगेगा, कहने का मतलब सेम टू सेम दिखने को मिलेगा। तो अभी तो दोस्तों ये फर्स्ट लेयर हो रहा है, तो इसे आप पार्ट वन ही समझें, तो इसे दो भाग में मैं बांटूँगा दोस्तों, और कहने का मतलब पूरे 3 भागों में मैं बांट दूँगा, ताकि आप लोग को पूरा अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। अगर दोस्तों आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी नेक्स्ट पेंटिंग का वेट करना। और वैसे दोस्तों मैं रेगुलर ही वीडियो अपलोड करता हूँ, बट आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज, इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।